ये है दिल्ली दर्पण। फरीदाबाद में एक बार फिर नाबालिग के साथ वहशीपन देखने को मिला है। नाबालिग के पड़ोसी ने उस समय उसे अपनी हवस का शिकार बनाया जब बच्ची अपने माता पिता के साथ घर में सो रही थी। आरोपी ने बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 16 महिला थाने में मिली शिकायत के अनुसार पड़ोसी युवक ने घर में सो रही उनकी नाबालिग बेटी के साथ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक शिकायत के अनुसार आरोपी सुबह लगभग 4 बजे नाबालिग के घर आया और घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बच्ची ने घर का दरवाजा खोला, आरोपी ने उसे दबोच लिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं महिला पुलिस ने बयान के बाद बच्ची का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवा कर आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमारे महिला थाना सेक्टर 16 में कि एक नाबालिग लड़की जो करीब 17 साल की उम्र है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म करने वाला उन्हीं के घर के सामने कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का कर्मचारी है और शिकायत प्राप्त होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल कराया गया है और साथ ही उनका जज साहब के सम्मुख बयान कराए गए हैं और आरोपी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर